नमस्कार, आर्यावर्त टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली की 10 वर्षीय बच्ची से गाजियाबाद में दुष्कर्म का मामला गर्माता जा रहा है। बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को दिल्ली में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ। इस कड़ी में दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय मेट्रो से इंडिया गेट तक काफ़ी बड़ी संख्या महिलाओं एवं पुरुषों ने कैंडल मार्च निकाला और इंसाफ की मांग की। महिला एवं पुरुषों ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार करने की मांग भी की। केंद्रीय सचिवालय मेट्रो पर हुए प्रदर्शन में भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इन लोगों ने मदरसे को सील करने और आरोपियों को फांसी सजा देने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी एवं पूर्वी दिल्ली के सांसद श्री महेश गिरी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों से बातचीत में बताया गया कि पिछले कुछ अरसों से देश भर में दुष्कर्म से जुड़े समाचारों की बारिश आई गई है। हर उम्र की महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की दुष्प्रति भी बढ़ रही है। ऐसे मामलों पर व्यापक बहस भी हो रही है, कानूनी प्रावधानों पर भी सोचा जा रहा है। फिर भी दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया कांड के बाद भी सरकार के तमाम दावों और कानूनों में संशोधन के बावजूद तस्वीर ज़्यादा नहीं बदली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2016 के दौरान पूरे देश में दुष्कर्म के 38,497 मामले दर्ज किए गए। गौर करने वाली बात है कि यह आंकड़ा उन घटनाओं का है जो पुलिस तक पहुंची है। सच तो यह है कि हमारे यहां अब भी लोक लाज, सामाजिक पारिवारिक दबाव तथा अभियुक्तों के दबाव के चलते बहुत से मामले कोर्ट तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। इससे भी शर्मनाक बात यह है कि दुष्कर्म के मामलों में अभियुक्तों की सजा मिलने का राष्ट्रीय औसत मात्र 28% है। राजधानी दिल्ली में यह दर सिर्फ 17% है। यह समझना कठिन नहीं है कि न्यायिक लचरता भी ऐसे मामलों झापा करने वाले अहम कारण है। ऐसे में इन अपराधों को लेकर कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की दरकार है। त्वरित न्याय में आने वाले व्यवस्थागत कारणों को दूर करने के साथ ही दूषित होती मानसिकता के कारणों को लेकर भी सोचा जाना जरूरी है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। तकिया लेकर के रोड पर निकलते हैं, वो धर्म के आधार पर रेप को देखते हैं। जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है वो बच्ची के ऊपर क्या बीतती है, वो ना धर्म होता है ना कुछ होता है। उस बच्ची की हालत बहुत खराब होती है, जिस गंभीर सदमे से वो निकलती है। तो इतनी ही मांग कर रहे हैं कि उनको फांसी होनी चाहिए और ये मौलवी जो है उसको अरेस्ट करके तुरंत पॉस्को एक्ट के तहत उनको कठोर से कठोर सजा हो। आजकल लोग कानून से डर रहे हैं, क्या कारण नहीं, इसीलिए ये कैंडल मार्च है कि एक उदाहरण बनना चाहिए। वो मौलवी और उसके साथ और जो तीन लोग वो बच्ची कह रहे हैं उनको तुरंत पकड़कर फांसी देनी चाहिए। आपका सरकार तो है, फिर आप लोग जवाब क्यों बना रहे हैं? देखिए, सरकार है पर कानून भी अपना काम करता है। हम इसीलिए मांग कर रहे हैं कि इसको एक्ट में, पॉस्को एक्ट के तहत तुरंत इनको फांसी मिलनी चाहिए। तो आसाराम बापू को क्यों आजीवन कैद मिला, उसे फांसी क्यों नहीं मिल रही है? ये कोर्ट तय करेगा, ये हम लोग नहीं तय करेंगे। कोर्ट का काम होता है, सरकार कभी गुनाह नहीं तय कर सकता, ये कोर्ट कर सकता है। आगे की क्या योजना? हम लोग कैंडल मार्च निकाल कर लोगों तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं। उन सेलिब्रिटीज ने धर्म को टारगेट करा है। वो ये नहीं कहते कि इस बेटी को न्याय दो, नहीं, वो कहते हैं हिंदुस्तानी शर्मिंदा है। बलात्कार को फोकस करने की जगह मंदिर को क्यों फोकस किया? ये सारा का सारा पॉलिटिकल व्यू है, ये सारा का सारा उनकी एक पॉलिटिकल रचना है। न्याय नहीं चाहते वो, किसी कॉज के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि दामिनी, जो एक काल्पनिक नाम है दामिनी का, इतना बड़ा कांड हुआ, पूरे
मुझे लगता है भारत सहित पूरे विश्व में जाना गया, लेकिन आज भी उस बेटी का कोई असल नाम नहीं जानता है। फिर क्या वजह थी कि आसिफा, जिसकी की हत्या आज से 3 महीने पहले कर दी गई थी, लेकिन उसका नाम और एक बाकायदा पूरा फोटो लगभग सारे ही न्यूज चैनल्स ने दिखाया और नाम भी बताया। सिर्फ पॉलिटिकल व्यूज है जो उसके माँ बाप बताए जा रहे हैं, वो एक्चुअल में उसके माँ बाप भी नहीं है, उसके माँ बाप भी बहुत पहले मर चुके हैं, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए उन्होंने जानबूझ के इसको दो रिलीजन के बीच का मतभेद बना दिया। मैं, उन्होंने जस्टिस नहीं मांगा। मैं उस दिन रात में 1:30 बजे यहाँ पे आया, डीसीपी साहब खड़े हुए थे, मैंने देखा कि हजारों की संख्या में यहाँ पे टोपियां थी, करीब 10,000 टोपियां थी। आज वो लोग कहाँ है, क्या ये सवाल बनता है? अगर वो लोग बिल्कुल बनता है तो वो हम अभी भी ये कहते हैं कि गीता हिंदुस्तान की बेटी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। हिंदू मुसलमान नहीं, ये हिंदुस्तान की बेटी है, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शायद ना मिले तो हम कुछ ना करें, कुछ तो करना पड़ेगा। इतने कानून बनने के बावजूद भी लोग कानून से नहीं डर रहे हैं, इसका कारण क्या है? कानून को और सख्त करो, लेकिन क्या अपने घर में बैठे रहने से उनको इंसाफ मिल जाएगा? कुछ तो करोगे? हम केवल कोशिश कर रहे हैं, कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनकी कोशिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर भी यहाँ पे कैंडल मार्च करेंगे जब तक गीता को न्याय नहीं मिलता। हमारा उद्देश्य है कि जितने भी बलात्कार हो रहे हैं उन सबको कैसे रोकें, दिन ब दिन इतना सख्त कानून बनने के बाद भी ये लोग इतनी हिम्मत कर रहे हैं, तो उसके लिए हम न्याय चाहते हैं और हम चाहते हैं हम कैंडल मार्च के हिसाब से उनको जल्दी अपराधी को कानून के तहत उसका जुर्म साबित होकर उसको पनिशमेंट मिले। We want justice. 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 चलिए चलिए। फांसी दो, फांसी दो, बंदी को फांसी दो।